नमस्कार, आज के नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा बार बार तलब किए जाने से कांग्रेस में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। केंद्र में मोदी सरकार पर बदले की कार्रवाई के चलते ईडी का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए उसके विरोध में शहर कांग्रेस जहां संविधान चौक पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन किया गया, वहीं शहर युवक कांग्रेस कार्यकर्ता दोपहर में आक्रामक हो गए। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल राउत के नेतृत्व में जीपीओ चौक सिविल लाइन्स में एक कार को आग लगाकर अपना गुस्सा प्रकट किया। इस दौरान कार्यकर्ता ईडी और भाजपा सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। पुलिस ने राउत सहित लगभग 40 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। फायर ब्रिगेड ने कार की आग को बुझाकर रोड से हटाया। कुणाल राउत ने चेतावनी दी कि सोनिया गांधी के समर्थन में और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ राज्य के सभी जिलों में आंदोलन तीव्र किया जाएगा। आगे भी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, जीएसटी और केंद्र की तानाशाही, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ युवा कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। केंद्र की भाजपा सरकार जिस तरह केंद्रीय एजेंसियों ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग कर गांधी परिवार को बार बार ईडी कार्यालय बुलाकर परेशान करने का काम कर रही है, वो सहन नहीं किया जाएगा। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय से संलग्न 503 कॉलेजों में से अनेक कॉलेजों में वर्षों से साधन सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण नहीं बल्कि शहरी भागों के कॉलेजों में भी प्राध्यापकों की कमी बनी हुई है। नियमित होने के बाद भी पार्ट टाइम की तरह चल रहे इन कॉलेजों में छात्रों की हाजिरी तो दर्ज होती है लेकिन छात्र नजर नहीं आते। जानकारी के अनुसार करीब 123 कॉलेज अब भी किराए की इमारत में चल रहे हैं। इनमें से कुछ कॉलेज तो पूर्णतः अनुदानित है। एक दौर था जब नागपुर विश्वविद्यालय से संलग्न महाविद्यालयों की संख्या राज्य भर में सबसे अधिक थी। गोंडवाना विश्वविद्यालय बनने के बाद कुछ संख्या कम हुई लेकिन अब भी अनेक कॉलेजों में सुविधाओं का अभाव है। खासतौर पर साइंस फैकल्टी के कॉलेजों में प्रयोगशाला का अभाव है। छात्र प्रैक्टिकल भी नोटबुक पर ही कर लेते हैं। वनस्पति शास्त्र में एमएससी पढ़ाने वाले कॉलेजों में वनस्पति उद्यान नजर नहीं आते। कुछ कॉलेजों ने तो उद्यान बनकर वहाँ स्टोर रूम बना लिया है। कंप्यूटर लैब में महीनों महीनों छात्र नजर नहीं आते। कोरोना की रफ्तार बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी है। इसी के साथ ही इस जिले में रिकवरी रेट भी 1% कम हुआ है। बारिश के सीजन में सर्दी जुकाम के साथ शुरू होने वाली बीमारी अब कोरोना में तब्दील होती नजर आ रही है। यही वजह है कि डॉक्टरों ने सतर्कता बरतने की आवश्यकता व्यक्त की है। इसी बीच जिले में 24 घंटे के भीतर 273 नए संक्रमित मिले, वहीं 74 मरीज विविध अस्पतालों में भर्ती है। जिले में 2303 नमूनों की जांच की गई, इनमें 273 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सिटी में सबसे अधिक 178 और ग्रामीण में 95 लोगों में संक्रमण पाया गया। इसी बीच 200 मरीज कोरोना मुक्त भी हुए। फिलहाल जिले के 21 अस्पतालों में 74 मरीज भर्ती है। इनमें मेडिकल में 8, किंग्सवे में 9, विवेका में 10, एम्स में 6 सहित अन्य अस्पतालों का समावेश है। मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों ने एक बार फिर अलग वार्ड तैयार कर लिया है। कोरोना वार्ड में ड्यूटी करने वाले स्टाफ को पृथक कर दिया है। फिलहाल जिले में एक्टिव केस 1569 हो गए हैं। वहीं होम आइसोलेशन में रहकर उपचार करने वाले 1495 मरीज हैं। इससे पहले आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती थी। इससे छात्रों को उनके अंकों के आधार पर कॉलेज मिल जाता था। एक ही आवेदन में ऑप्शन होने से अलग अलग कॉलेजों के चक्कर नहीं काटना पड़ता था, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की परेशानी बढ़ा दी है। अब छात्रों को एक से अधिक कॉलेजों में आवेदन करना होगा, जहां नंबर लगा उस कॉलेज में प्रवेश पक्का कराना होगा। व्यवस्था को सुचारू बनाने और कॉलेजों की मनमानी रोकने के लिए तत्कालीन उपकुलपति प्रमोद येवले ने केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया शुरू की थी। इस वजह से छात्रों को उनके अंकों के आधार पर ऑप्शन में भरे गए कॉलेजों में से किसी एक में नंबर लग जाता था। इससे कॉलेजों की मनमानी पर रोक तो लगी थी, साथ ही छात्रों को एक से अधिक कॉलेज में जाकर आवेदन भरने की भी आवश्यकता नहीं थी। इस बार संलग्नित कॉलेजों में प्रवेश के लिए केंद्रीय पद्धति बंद कर दी गई है। कॉलेज अपने स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया करेगा। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्नातक का परिणाम घोषित होने के 20 दिन के भीतर छात्रों को सबसे पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीयन कराना होगा।
मनपा स्कूलों की इमारतें जर्जर होने के कई मामले भले ही उजागर होते रहे हो, लेकिन इसे दरकिनार कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए मनपा की ओर से उपक्रम शुरू होने का दावा किया जा रहा है। माझी शाला सक्षम शाला का उपक्रम शुरू करने का हवाला देकर मंगलवार को महल स्थित टाउन हॉल में मुख्य अध्यापकों की कार्यशाला ली गई, जिसमें मनपा स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने का संकल्प जताया गया। हाल ही में सुरेंद्रगढ़ स्थित कांचनमाला मनपा स्कूल का एक मामला उजागर हुआ था, जिसमें स्कूल शुरू रहते समय ही स्लैब का एक हिस्सा गिरने की घटना हुई थी। हालांकि इस दौरान सीढ़ियों पर से छात्र का आना जाना नहीं रहा, जिससे कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, किंतु स्कूल की इमारत जर्जर होने का मामला निश्चित ही उजागर हुआ था। पदाधिकारी और अधिकारियों का मानना था कि हाल ही में 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें मनपा स्कूलों का सराहनीय परिणाम रहा है। सफलता का ये ग्राफ ऊंचा रहे, इसके लिए प्राथमिक शिक्षा का स्तर तथा उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से मनपा प्रशासन अब निजी संस्थाओं के साथ मिलकर मेरी स्कूल सक्षम स्कूल का उपक्रम चलाने जा रही है। जिलाधिकारी आर विमला ने कहा कि शहीदों की वीर पत्नियों को विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षण, उद्योग व्यवसाय करने की आवश्यकता को देखते हुए मदद करने के लिए जिला प्रशासन तत्पर है। वे 23वें कारगिल विजय दिवस पर शहीदों का अभिवादन करने के बाद बोल रही थी। इस दौरान उन्होंने शहीदों की पत्नियों से संवाद भी साधा। सैनिकों के बच्चे के छात्रावास में कारगिल स्मारक निर्मित किया गया है। स्मारक पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। शहीदों की माताओं से भी चर्चा कर उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला सैनिक कार्यालय के माध्यम से इस संदर्भ में आए प्रस्तावों पर सकारात्मक सहयोग प्रशासन देगा। आयोजन के दौरान बैटल कैजुअल्टी रिपोर्ट में रामटेक तहसील के चिसाला के नीलेश धर्म दमाहे जख्मी जवान को 20 लाख रुपयों की आर्थिक मदद दी गई। ये जवान फिलहाल देहरादून में कार्यरत है। जम्मू कश्मीर में आतंकी कार्रवाई के दौरान जवान की पत्नी व मां ने सानुग्रह अनुदान का चेक स्वीकार किया। इस दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर डॉक्टर शिल्पा खरपकर, सैनिक कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित थे। देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने वाले शहीदों को भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दत्त के जिलाध्यक्ष अरविंद गजबिये ने भी आदरांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बार बार ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब कर परेशान करने के खिलाफ शहर कांग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे के नेतृत्व में काली पट्टी लगाकर सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस को बदनाम करने का षड्यंत्र भाजपा कर रही है। सोनिया गांधी एक बड़ी देशव्यापी पार्टी की अध्यक्षा है और उनकी उम्र 75 वर्ष है। ईडी उनके घर जाकर भी पूछताछ कर सकती है, लेकिन उन्हें बार बार तलब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झूठा केस बनाकर भाजपा बदनाम करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को 100 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, जो उसके कर्मचारियों के वेतन आदि जरूरतों के लिए था, लेकिन बीजेपी 5000 करोड़ के घोटाले की झूठी अफवाह फैलाकर कांग्रेस की बदनामी कर रही है। दरअसल बीजेपी की केंद्र सरकार व राज्य सरकार किसान, महंगाई, रोजगार व बाढ़ की समस्या सभी को संभालने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का दावा करने वाली केंद्र सरकार की नीतियों ने 16 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे ने कहा कि देश से पूरे विपक्ष को खत्म करने की साजिश मोदी शाह सरकार की है। भाजपा सांसद रामदास तड़स सहित 2 अन्य लोगों ने महाराष्ट्र राज्य कुश्तीगीर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया था। चुनाव में कांटे की टक्कर देखने की उम्मीद थी, लेकिन 2 अन्य उम्मीदवारों द्वारा अपने आवेदन वापस लेने से तड़स का निर्विरोध अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पवार के अध्यक्ष रहते जुलाई की शुरुआत में महाराष्ट्र राज्य कुश्तीगीर परिषद भंग कर दी गई थी। इसके बाद पहली बार नागपुर में विदर्भ कुश्तीगीर परिषद की चुनाव प्रक्रिया हुई। मंगलवार को आवेदन वापस लेने का आखिरी दिन था। इसमें काका साहेब पवार और धवल सिंह मोहिते पाटिल ने अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया था, और चूंकि अन्य अधिकारियों ने भी अपने आवेदन वापस ले लिए, इसलिए कोई प्रतिस्पर्धी नहीं बची थी। नतीजतन ये चुनाव निर्विरोध रहा। अब ये तय है कि तड़स ही अध्यक्ष होंगे, इसलिए 31 जुलाई को होने वाले मतदान को रद्द कर दिया गया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में विजय बोराटे, महासचिव के रूप में काका साहेब और कोषाध्यक्ष के रूप में संजय शेट्टी के भी नाम पर मुहर लग गई है। नागपुर के डॉक्टर अमोल मौर्य ने YouTube पर अपलोड किए गए रियल इस्टेट व्यक्तित्वों के अधिकतम इंटरव्यू अपलोड करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जीता। डॉक्टर मौर्य रियल इस्टेट में उपभोक्ता खरीद व्यवहार में PhD होल्डर है। वे मशहूर रियल इस्टेट कोच और रियल इस्टेट यूट्यूबर है।
जिनकी रियल इस्टेट में देश भर में बड़ी ऑडियंस है। अपने पीएचडी थीसिस सबमिशन के दौरान उन्होंने 2011 से 2016 के बीच 2000 से ज्यादा ग्राहकों, 200 से अधिक कर्मचारियों और रियल इस्टेट कंपनियों के 50 से अधिक निदेशकों के साक्षात्कार आयोजित किए। एशिया भर में शीर्ष रियल इस्टेट कंपनियों पर शोध करने और उनके सीईओ से संपर्क कर रियल इस्टेट पर आधारित शोध आधारित पुस्तक रियल इस्टेट गेम चेंजर्स जल्द ही प्रकाशित होने जा रही है। उनके पास रियल इस्टेट ट्रेनिंग, कोचिंग, बिजनेस सिस्टम फॉर्मेशन और टीम बिल्डिंग में 16 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने 50 से अधिक शहरों में 2 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है। अगले 10 वर्षों के भीतर 1 लाख से अधिक रियल इस्टेट उद्यमियों को सशक्त बनाने और रियल इस्टेट क्षेत्र के माध्यम से लाखों रोजगार के अवसर पैदा करने के मिशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नागपुर मेट्रो स्टेशन और मेट्रो ट्रेन सेवा बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन है। नागपुर शहर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए नागरिकों के लिए मेट्रो परिवहन सबसे अच्छा साधन उपलब्ध है। इस आशय के विचार LIC के प्रबंध निदेशक विष्णु चरण पटनायक ने मेट्रो ट्रेन में यात्रा के दौरान व्यक्त किए। पटनायक ने कहा कि मेट्रो सेवा कम लागत में परिवहन का एक अच्छा साधन है, जो भारतीय होने के नाते हमारे लिए गर्व की बात है। पहले मेट्रो सेवा केवल विकासशील देशों में ही उपलब्ध थी, लेकिन अब भारत में भी मेट्रो सेवा बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो रही है और नागपुर जैसे शहर में भी मेट्रो सेवा होना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम महा मेट्रो से जुड़े हैं। 2 मेट्रो ट्रेनों में ट्रेन रैपिंग विज्ञापन कवर लगाए गए हैं। LIC में भी हमेशा जनहित का काम किया है और हमें नागपुर मेट्रो के साथ कार्य करने का अवसर मिला है, इस पर हमें गर्व है। हमें खुशी है कि मेट्रो ट्रेनों में की गई ट्रेन रैपिंग से लोग मेट्रो ट्रेनों और स्टेशनों में LIC के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पटनायक के मुताबिक 20 लाख की आबादी वाले शहर में मेट्रो सेवा होनी चाहिए। हाल ही में अखिल भारतीय परिवार पार्टी के नागपुर पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष अरविंद सुरेशी, राष्ट्रीय सलाहकार सदस्य आनंद शर्मा, अमरावती लोकसभा प्रभारी गणेश रामटेके और नागपुर लोकसभा प्रभारी नईम खान की उपस्थिति रही। निताली तागड़े को कार्यालय प्रभारी नियुक्त किया गया एवं उषा नांदेड़कर जिला महिला विकास अधिकारी, तेजस्विनी इंगोले को नागपुर दक्षिण पश्चिम युवा मोर्चा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। लोकेश नांदेड़कर को परिवहन प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया। इस अवसर पर ममता कराड़े, सुवर्णा मानेकर आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। स्थानीय अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल सावनेर में हर्षोल्लास से कारगिल विजय दिवस मनाया गया। कारगिल विजय दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन भारत में 26 जुलाई को मनाया जाता है। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ये युद्ध लद्दाख के कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर में कुल 60 दिनों तक चला। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों को देश से खदेड़ दिया। टाइगर हिल समेत भारतीय सेना ने सभी महत्वपूर्ण चौकियों पर कब्जा कर लिया। कारगिल विजय दिवस पर युद्ध में शहीद हुए 527 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ये कार्यक्रम देश भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाता है। इसके तहत विद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र मिश्रा, वंदना यादव, वंदना बारापात्रे एवं मीनाक्षी वैद्य ने भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। संगीत शिक्षिका स्मिता अटलकर और उनके 9वीं कक्षा के समूह ने एक बहुत ही सुंदर गीत ए वतन के बहादुर जवान की प्रस्तुति दी। साथ ही धीरज ढोबले, अंकिता बागड़े, वेदांत काले ने कारगिल युद्ध की विस्तृत जानकारी दी और देशभक्ति पर आधारित कविताएं प्रस्तुत की। हाल ही में श्री माहेश्वरी युवक संघ की वार्षिक सर्वसाधारण सभा श्री बड़ी मारवाड़ माहेश्वरी पंचायत भवन में आयोजित की गई। सभा के दौरान नए कार्यकारिणी समिति का चयन हुआ, जिसमें अध्यक्ष गोविंद संपत कुमार झंवर, उपाध्यक्ष महेश मुरलीधर बजाज, सचिव कृष्णा रामपाल मानधना, निवर्तमान अध्यक्ष मनोज लोया, कोषाध्यक्ष मुकुंद सारडा, सहसचिव निकेश बंग, सांस्कृतिक मंत्री कपिल काकणी, क्रीड़ा मंत्री अंकित खेमानी, प्रचार संपर्क मंत्री श्रीनाथ चांडक चुने गए। कार्यकारिणी समिति में सुमित चांडक, मधुर बंग, मुकुंदरक, आदित्य पसारी, दवाखाना समिति में यश असावा, आशीष जखोटिया, योगेश बागरी, शुभम भुतड़ा भी चुने गए। मुख्य चुनाव अधिकारी महेश बजाज, सहायक चुनाव अधिकारी नवरत्न लाहोटी, प्रकाश हेड़ा, सुनील डागा एवं विष्णु तोषनीवाल इस अवसर पर उपस्थित थे।
संस्था का मुख्य उद्देश्य स्वर्गीय बद्रीनारायण मनियार सार्वजनिक अस्पताल का संचालन करना है। विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट फोरम में हाल ही में VIA ऑडिटोरियम नागपुर में विदर्भ के लिए हर्बल्स और एरोमेटिक के मूल्य वर्धित खेती पर एक दिवसीय संगोष्ठी हार्बोरमा का आयोजन किया, जिसमें नागपुर जिले और सूरत, नासिक, मुल्ताई, मध्य प्रदेश जैसे दूरस्थ और भंडारा, चंद्रपुर, यवतमाल, वाशी, बुल्ढाणा, अमरावती, वर्धा, गढ़चिरौली आदि क्षेत्रों से किसानों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि निशांत अरोमाज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के अध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत हरलालका ने अपने मुख्य भाषण में दर्शकों को अरोमा घास की खेती और प्रसंस्करण के लिए स्थानांतरित करने पर जोर दिया, जिसमें गेरियम, लेमन ग्रास, सिट्रोनेरा, पामारोसा आदि शामिल है, जो विदर्भ क्षेत्र के लिए अत्याधिक उपयुक्त है। निशांत अरोमा का विस्तार हो रहा है और निर्यात सहित इतर साबुन और कॉस्मेटिक उद्योगों में आवश्यक तेलों की भारी मांग है। उन्होंने सभी किसानों से केवल सिद्ध किस्मों जैसे लेमन ग्रास के लिए कृष्णा, CIM शिकार, सिट्रोनेला के लिए बायो, तेरा मंजूषा, पाल्म रोसा के लिए CIM हर्ष आदि का उपयोग करने का अनुरोध किया। नागपुर क्षेत्र को बेहतर सेवा देने के लिए निशांत अरोमा अब मेसर श्रीम इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बीते वर्ष हुए युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में कम उम्र दर्शाने के लिए फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए जाने को लेकर शहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष तौसीफ बशीर खान पर तहसील पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 सहित कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। थानेदार तृप्ति सोनवणे ने कहा कि जिला व सत्र न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। सेवा सदन चौक निवासी युवा कांग्रेस पदाधिकारी वसीम खान ने फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद पुलिस को तौसीफ के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। वसीम का आरोप है कि युवा कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव में तौसीफ ने अपनी आयु 34 वर्ष दर्ज कराई थी, जबकि पासपोर्ट और मनपा के जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार वो 39 वर्ष के हैं। गलत उम्र दर्ज करवा कर वे चुनाव जीते और शहर अध्यक्ष बने। वसीम खान संगठन चुनाव में दूसरे नंबर पर थे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के छात्र छात्राओं ने गांधी हिल्स पर पूर्व सांसद फूलन देवी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। फूलन देवी महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में जानी जाती है, साथ ही सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। विश्वविद्यालय के प्रगतिशील विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों ने इस सभा का आयोजन किया था। सभा के आयोजन का उद्देश्य छात्रों को सामाजिक योद्धाओं से परिचित कराकर एक आदर्श नागरिक बनने में सहयोग करना है। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों द्वारा फूलन देवी के तस्वीर पर पुष्पांजलि देकर की गई। शोधार्थी अजय कुमार ने फूलन देवी के जीवन परिचय देते हुए उनके जीवन संघर्ष और राजनीतिक जीवन सफर और उनकी हत्या पर प्रकाश डाला। वहीं शोधार्थी राजेश ने भारतीय समाज में व्याप्त पितृसत्ता समाज में एक स्त्री की भूमिका व सामाजिक जीवन में स्त्रियों के संघर्ष पर विस्तृत तरीके से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सर्वानंद, मनोज, श्वेता, कुंदन, कल्पना, अंजू आदि शामिल थे। पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल बेसा नागपुर की छात्रा जैन समाज की शान प्रियशा कापसे ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा में 99.8% अंक हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान व राज्य में अव्वल रही। इस अवसर पर महावीर यूथ क्लब परिवार नागपुर के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश सावलकर, प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत मानेकर जैन, तारण तरण समाज के सचिव संजय टक्का मोरे, अम्बा नगर मंदिर के अध्यक्ष किशोर मेंढी, दक्षिण नागपुर के सचिव गौरव शाहकार, पूर्व नागपुर के सचिव विशाल मानेकर, प्रदीप सवानी ने प्रियाशा को बधाई प्रेषित की व उज्ज्वल भविष्य के लिए अनुमोदन की। प्रियाशा की उल्लेखनीय सफलता पर इसका सत्कार उसके निवास स्थान पर जाकर जैन दुपट्टा पुष्पगुच्छ देकर किया गया एवं उसके परिजनों का भी सत्कार किया गया। इस मौके पर प्रियाशा की दादी प्रतिभा कापसे, पिता मनीष कापसे, माता वैशाली कापसे, रश्मि गड़ेकर, राहुल गड़ेकर, पूर्वेश कापसे के साथ सभी पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी एवं उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रियाशा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों को दिया है। उसी तरह महावीर यूथ क्लब परिवार तथा जैन समाज के प्रमुख पदाधिकारियों ने 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रा कुमारी स्वरा श्रीकांत उपकर आदि जैन समाज की मेधावी छात्राओं को भी बधाई दी। इम्प्लाकॉन 2017 में अपनी स्थापना के बाद से बहुत ही कम समय में भारत भर में डेंटल इम्प्लांटोलॉजी सर्किट में एक महत्वपूर्ण नाम बना गया है।
इम्प्लाकॉन भारत के कई राज्यों में गुणवत्ता इम्प्लांट गतिविधियों और जागरूकता अभियान का आयोजन कर रहा है। इसकी जड़ें ऑरेंज सिटी नागपुर में है। इसमें डॉक्टर मोहित बी झामद इम्प्लाकॉन के संस्थापक और अध्यक्ष और डॉक्टर नितिन वैद्य सक्रिय है। इम्प्लाकॉन भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों से उच्च योग्य दंत चिकित्सकों और इम्प्लांटोलॉजिस्टों को एक दूरगामी मंच प्रदान करता है। डेंटल इम्प्लांट दंत चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक है जो कम समय में लापता दांतों को निश्चित दांतों से बदलने के लिए उपयुक्त है। ये चबाने की आदतों में सुधार लाएगा, विभिन्न चिकित्सा समस्याओं को कम करेगा, फोनेशन में सुधार करेगा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा। अपने ट्रैक रिकॉर्ड के अनुपालन में इम्प्लाकॉन अक्टूबर 2022 में इम्प्लाकॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है, जो भव्यता और विशिष्टता के दृष्टिकोण से एक बड़ा आयोजन है। उपमहाद्वीप में अपना महत्व बनाने के बाद ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी इम्प्लाकॉन के प्रवेश का प्रतीक है। एसटी महामंडल बीते एक साल से खुद को अपडेट करने के कई दावे कर चुका है, लेकिन धरातल पर वे शून्य कुछ भी नजर नहीं आ रहे हैं। बीते साल उसने एक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप बनवाया था, जिसमें दावा किया गया था कि यात्रियों को बस की सही लोकेशन के साथ यात्रा के दौरान आने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ऐप लॉन्च होने के बाद उसकी क्या हालत हुई सबको पता है। अब मामला ईटीएम पर अटक गया है। ये समस्या भी बीते एक साल से चली आ रही है। पुरानी ईटीएम मशीन जो काम करना बंद कर चुकी है, उन्हें रिपेयर कराकर काम चलाया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि इस मशीन की बैटरी या तो चार्ज होती नहीं है, अगर हो भी जाती है तो ज्यादा समय तक नहीं चलती। कंडक्टरों ने इस मामले की शिकायत भी अपने आला अधिकारियों से समय समय पर की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसीलिए कई बार तो मशीन खराब होने पर कंडक्टरों को मैनुअल टिकट यात्रियों को देने पड़ रहे हैं। एसटी महामंडल नागपुर को अपडेट एंड्रॉइड टिकट मशीन मिलने के दावे बीते चार महीनों से किए जा रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके मी न्यूज़। नमस्कार।